गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम क्लास 4 का जो इंग्लिश का लेसन है जिसका नाम है माय शैडो, मेरी परछाई, वो करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या आपने नोटिस किया है जब आप कहीं पर भी जाते हो तो आपके पीछे पीछे आपकी परछाई चलती है, देखा है? वेरी गुड। अच्छा, तो ये बताओ जब आपके पीछे पीछे चलती है, जब आप अंधेरे में कहीं जाते हो तब कहाँ चली जाती है? वो गुम हो जाती है। वेरी गुड। तो आज हम उसी के बारे में, यानी कि एक परछाई के बारे में पोइम है, उसको हम करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और इसके हम जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जो साथ ही साथ करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और देखते रहना इसको, ठीक है? तो शुरू करते हैं। माय शैडो, मेरी परछाई, ठीक है? तो इसके अंदर एक बच्चा जो बता रहा है, आई हैव अ लिटल शैडो, मेरी एक छोटी सी परछाई है। आपकी भी परछाई होती है ना? हाँ, धूप में या कहीं रोशनी में आप खड़े होकर देखना, आपको आपकी परछाई दिखाई देगी, ठीक है? दैट गोस इन एंड आउट विद मी, जो मेरे साथ अंदर और बाहर जाती है, यानी कि मैं जहां भी कहीं किसी कमरे के अंदर जाता हूं तो वो मेरे साथ साथ जाती है, यदि मैं कहीं बाहर जाता हूं तो भी वह मेरे साथ साथ जाती है। इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है? दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स, इन आउट, अंदर बाहर, ठीक है? एंड व्हाट कैन आई एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, यानी के उस शैडो का, हिम का मतलब क्या है यहाँ पे? शैडो, ठीक है? तो उस परछाई का क्या प्रयोग हो सकता है? यूज मीन्स प्रयोग, ठीक है? तो उस परछाई का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या वो हमारे किसी काम की होती है या नहीं, तो हम इस वीडियो में इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है? अंत में कहता है वो है इज मोर देन, क्या उससे ज्यादा है, देन आई कैन सी, जो मुझे दिखाई देते हैं या जो मैं देख सकता हूं, क्या इसका प्रयोग उससे भी ज्यादा है। तो इस प्रकार हमें जो ये फर्स्ट स्टैंजा हमारा कंप्लीट होता है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं, यहां पर वर्ड मीनिंग करेंगे हम, आई हैव अ लिटल, एल आई डबल टी एल ई, लिटल मीन्स छोटी या छोटा या नन्ना सा, ठीक है? शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है यहाँ पे? शैडो का मतलब है परछाई, क्या है? परछाई, ठीक है? उसके बाद दैट गोज, गो एक वर्ब है, गो का मतलब होता है जाना, क्या होता है गो का मतलब? जाना। ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन, गो वेंट गोन। उसके बाद इन एंड आउट, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स, इन मीन्स अंदर और आउट मीन्स बाहर, ठीक है? तो ये हमारे टू अपोजिट वर्ड्स है, इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर, ओके? नेक्स्ट, एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, यूज का मतलब होता है प्रयोग, कि हम उसको कैसे यूज में करेंगे, ठीक है? तो उसका क्या प्रयोग हो सकता है, कैन मतलब हो सकना, ये हमारा मॉडल है। कैन, अगर कोई भी हम हमारी कैपेसिटी है तो कैपेसिटी के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। कैन मीन्स सकना, कैन मीन्स सकना, ठीक है? और यूज का मतलब होता है प्रयोग, ठीक है? ये वर्ड मीनिंग आप साथ के साथ नोट भी करते रहें, आपके बुक में है साथ के साथ, ये देखते रहें और इसको लिखते भी रहें।
इज मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, ठीक है। ये हमारी डिग्री है एडजेक्टिव, जैसे मच, मोर और थर्ड होती है मोस्ट, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो मोर जो हमारी है कंपैरेटिव डिग्री है और मोस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। उसके बाद देन आई कैन सी, सी का मतलब होता है देखना, क्या होता है सी का मतलब देखना, ये भी हमारी एक वर्ब है, क्रिया जिसे कहते हैं, सी मतलब देखना, सा और थर्ड इसकी होती है वो होती है सीन, सी सा सीन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ओके। तो अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि जो यह पोइम है वह कौन सुना रहा है, हु इज टेलिंग द स्टोरी, कहानी कौन सुना रहा है ये अपने बारे में और किसकी कहानी है ये, शैडो की, ठीक है। तो इसके अंदर जो आई है, आई मतलब अ बॉय, ठीक है, हु इज आई इन दिस स्टैंजा, आई इज अ बॉय, ठीक है, और वह किसके बारे में स्टोरी सुना रहा है, ही इज टेलिंग द स्टोरी अबाउट हिज शैडो, ओके ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जो उसकी शैडो है वो कहां कहां उसके साथ जाती है, कहां जाती है, दैट गोज इन एंड आउट विद द बॉय, क्लियर है, ओके। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्या उस लड़के ने जो इसके बारे में शैडो के बारे में पूछा है, क्या उसका कहीं प्रयोग हो सकता है, तो आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। नेक्स्ट जो स्टैंजा इसका वो है, He is very, very like me, ठीक है, जो बच्चा है इसके अंदर वो कहता है He is very, very like me, यानी के जो ही है, ही कौन है यहाँ पे, शैडो के बारे में है, बात कर रहा है कि वह बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह, यानी के सेम लाइक द बेबी, कि जैसा मैं हूं, अगर मैं मेरा आकार इतना है तो उसका भी आकार उतना ही दिखाई दे रहा है, और कभी कभी तो वह आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जितना मोटा मैं हूं उतनी ही मोटी वो दिखाई देती है, तो जैसे जैसे मैं हाथ ऊपर करता हूं वो भी ऐसे ही करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज वेरी वेरी लाइक मी, वह बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह है, लाइक मतलब मेरी तरह है, ठीक है। आगे है फ्रॉम द हील्स अप द हेड, यानी के हील्स मतलब मेरे पैर से लेके और हेड तक वह बिल्कुल लाइक मी, ठीक है, वह पैर से लेकर हील्स पैर और हेड सिर, वह बिल्कुल मेरे पंजों से लेकर और हेड तक बिल्कुल मेरी ही तरह दिखाई देती है। उसके बाद है एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और मैं उसको कूदने से पहले, यानी कि जब मैं कूदता हूं तो वह मेरे से पहले दिखाई देती है, कब, व्हेन आई जंप टू माय बेड, यानी कि जब मैं अपने बेड के ऊपर, यानी कि बिस्तर के ऊपर जब कूदता हूं तो वह मेरे कूदने से पहले ही मुझे दिखाई देती है। तो इसके हम वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, ही इज वेरी वेरी लाइक मी, मी मतलब मेरी तरह या मुझे, लाइक मतलब सेम लाइक मी, मेरी तरह मेरे जैसी, हम सकल उसको जैसे बोल सकते हैं, और वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। फ्रॉम द हील्स, हील्स आपको पता लग गया पंजे या पांव, हेड का मतलब होता है सिर, ठीक है, हमारा बॉडी पार्ट हेड। एंड आई सी हिम, हिम का मतलब कौन है यहां, शैडो, ठीक है। एंड आई सी हिम जंप, जंप मतलब कूदना, ठीक है। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। व्हेन, व्हेन मतलब जब,
आई मतलब मैं, जब मतलब कूदना, टू माई, माई मतलब मेरा, और बेड मतलब बिस्तर, ठीक है। तो सारे वर्ड मिले होंगे ना, यस। तो इसके बाद जो इसका थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत सारे वर्ड मीनिंग हो चुके हैं, आप इनको कॉपी में लिखें और इनको याद करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।